उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अमलतास हॉस्पिटल का दौरा किया, वहां पर मरीजों के उपचार की व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। उच्च शिक्षा मंत्री को बताया गया कि यहां पर उज्जैन के मरीजों के लिए 180 बेड आरक्षित हैं। डॉक्टर यादव ने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की एवं उनकी ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने का आश्वासन देते हुए कहा कि ऑक्सीजन उज्जैन से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश भी दिए कि मरीजों के परिजनों से सिलेंडर न मंगवाएं। डॉक्टर यादव ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को और अच्छा बनाने के लिए निर्देश भी दिए। 30 आईसीयू है, 150 नॉर्मल है। शिकायतें थी, खास करके ऑक्सीजन की दृष्टि से इनको परेशानी थी। इनका अरेंजमेंट कराया कि उज्जैन से इनको हर दिन ऑक्सीजन के सिलेंडर मिल जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन मरीजों को लाना पड़ती थी वो बंद करा देंगे। साथ ही साथ आईसीयू के कुछ बेड बनाने की बात है, कुछ और सुझाव है तो उनको भी काम करके कुल मिलाकर प्रयास है कि सरकार ने अगर व्यवस्था खड़ी करी है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए। मैंने कुछ व्यवस्था समझने का प्रयास किया, कुछ प्रशासन के अधिकारियों से बात कराएंगे। खास करके चूंकि चार जगह के मरीज यहाँ भर्ती थे, देवास, शाजापुर, आगर, उज्जैन, और इन चारों मरीजों का लोड यहाँ होने के कारण से मैंने कुछ सुझाव भी दिए और कुछ इनसे निर्णय भी कराए हैं।